नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जहां पर आज हम जिक्र कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक घोटाले मामले में सामने आ रहे हैं। मानो अब ऐसा लग रहा है कि पूरा परिवार ही घोटालों में भरा हुआ है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानकारी आपको दे देते हैं। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स कुछ सामने आई हैं, जहां पर दावे किए जा रहे हैं कि करोड़ों का शीश महल बनाने के पीछे अरविंद केजरीवाल की बॉस थी। अब आप भी सोचेंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की बॉस कौन है। दरअसल एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। हर घर में बॉस कोई और होता है और फ्रंट फेस कोई और। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हर घर की बॉस एक महिला होती है। तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल के घर की बॉस उनकी पत्नी है। ये जान के आपको हैरानी होगी कि घर में जो प्रीमियम काम कराया गया है वो उनकी पत्नी की ही इजाजत से कराया गया है, पहली चीज। और पत्नी ने चीजों को भी फाइनलाइज किया है कि इस घर में ये चीजें इस लेवल की रखी जानी चाहिए, यानी कि करोड़ों के पर्दे और करोड़ों के फर्श जो लगे हैं और जितना एंटिक पीस अंदर लगा है, एक शीश महल बनाया गया है, वो सब कुछ उनकी पत्नी की निगरानी में और पत्नी की इजाजत के साथ हुआ है। यानी कि सिर्फ महज अरविंद केजरीवाल को घोटालेदार कहना भी गलत होगा, क्योंकि उनकी पत्नी ने इस घोटाले में उनका पूरा साथ दिया है। अब पत्नी का असली चेहरा सामने आ रहा है, जहाँ पे महिलाओं के हक के लिए अक्सर उन्हें देखा गया है रैलियों में बातें करते हुए, देश की जनता के लिए उन्हें बातें करते हुए देखा गया है। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी पत्नी का असली चेहरा सामने आया है, जो हर किसी को हैरान कर रहा है। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। धन्यवाद।